सर ने दो ही दिन में बॉलीवुड से दो दिग्गज कलाकार छीन लिए हैं। बुधवार को इरफान खान की मौत के बाद गम में डूबे करोड़ों बॉलीवुड के चाहने वालों के लिए गुरुवार सुबह दुख और बढ़ गया। अभिनेता ऋषि कपूर ने भी कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद बॉलीवुड को अलविदा कह दिया है। बुधवार को ही तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रशंसक उनके लिए प्रार्थना में जुटे थे, लेकिन नियति को कौन टाल सका है। बता दें कि 67 वर्षीय अभिनेता ऋषि कपूर को 2018 में कैंसर का पता चला था। उन्होंने न्यूयॉर्क में इलाज करवाया और लगभग एक साल तक कैंसर से जूझने के बाद मुंबई लौट आए। अपनी वापसी के बाद उन्होंने ट्वीट किया था, बैक होम 11 महीने 11 दिन, आप सभी का धन्यवाद। अपनी वापसी के बाद उन्होंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया और दिल्ली में जूही चावला के साथ शर्मा जी नमकीन नामक फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। हालांकि स्वास्थ्य के मुद्दों के कारण शूटिंग रद्द कर दी गई। दिग्गज बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर के निधन की खबर सबसे पहले बॉलीवुड के महानायक ने ट्वीट करके दी। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर लिखा, ऋषि कपूर गए, अभी उनका निधन हुआ, मैं टूट गया हूँ। अभिनेता ऋषि कपूर के साथ अमिताभ बच्चन ने अमर अकबर एंथनी, 102 नॉट आउट, नसीब, अजूबा, कभी कभी जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। अमिताभ और ऋषि की दोस्ती इंडस्ट्री की बेस्ट जोड़ी कही जाती थी। ऋषि कपूर के निधन से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक कई बड़ी हस्तियों ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें ऋषि कपूर थाली बजाते नजर आ रहे हैं, साथ में उनकी पत्नी नीतू कपूर भी घंटी बजाते नजर आ रही हैं। हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करते हुए कहा, वो रहा डफली वाला ऋषि कपूर जिन्होंने 22 मार्च को बाकी लोगों की तरह ही कोरोना वॉरियर्स को सम्मान दिया, लेकिन आज वो चले गए। आप हमेशा भारतीय सिनेमा के इतिहास का हिस्सा रहेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, हर दिल अजीज और जिंदा दिल, कुछ ऐसे ही थे ऋषि कपूर। उन्होंने कहा वे प्रतिभा का पावर हाउस थे। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं हमेशा सोशल मीडिया पर हमारे बीच हुई बातचीत को याद करूंगा। वे फिल्मों और भारत की प्रगति के बारे में भावुक थे। उनके निधन से दुखी, उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ऋषि कपूर देश के कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखते थे, चाहे वो नागरिकता कानून हो, कोरोना वायरस हो या लॉकडाउन, वो ऐसे तमाम मुद्दों पर बिना हिचकिचाए बोलते थे। ऋषि कपूर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते थे, मगर संयोग से सोशल मीडिया पर नियमित रूप से ट्वीट करने के लिए चर्चित ऋषि कपूर ने 2 अप्रैल के बाद से कोई ट्वीट नहीं किया। उन्होंने अपने आखिरी ट्वीट में कोरोना काल के दौरान डॉक्टरों और नर्सों पर हमले की निंदा की थी। लोगों को एक खास संदेश दिया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था, एक अपील समाज के सभी भाइयों और बहनों से, कृपया हिंसा, पत्थर फेंकने या हत्या करने का सहारा ना लें। डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ और पुलिस कर्मी आपको बचाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। हमें इस कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध को एक साथ जीतना होगा। जय हिंद। लेकिन अब बॉलीवुड का ऐसा सदाबहार अभिनेता हमेशा के लिए खामोश हो गया। ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार चंदनवाड़ी स्थित शवदाह गृह में हुआ। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कुल 24 लोगों को मुंबई पुलिस ने इजाजत दी। 19 लोग परिवार के और 5 लोग करीबी शामिल हुए। उनकी बेटी रिधिमा ने चार्टर्ड प्लेन से आने की कोशिश की थी, मगर DGCA से अनुमति नहीं मिली। बता दें कि ऋषि कपूर की बेटी रिधिमा कपूर दिल्ली में है। पिता की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलते ही उन्होंने सरकार से दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा की इजाजत मांगी। उन्हें इजाजत तो मिली, लेकिन वे समय रहते मुंबई नहीं पहुंच सकी। ऋषि कपूर के परिवार की ओर से उनके निधन की आधिकारिक सूचना भी दी गई। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ऋषि कपूर ने गुरुवार को सुबह 8:45 पर इस दुनिया को अलविदा कहा। इसमें बताया गया कि उन्होंने हंसते हुए और लोगों को हंसाते हुए दुनिया का साथ छोड़ा। आपको बता दें कि ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 में मुंबई के चैंबूर में हुआ। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर में कई शानदार फिल्में की। ऋषि कपूर की पहली फिल्म बॉबी है और कहा जाता है कि इससे पहले उन्होंने मेरा नाम जोकर में अपने पिता राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया था। लेकिन मेरा नाम जोकर भी ऋषि की पहली फिल्म नहीं थी। इससे पहले वे श्री 420 में छोटे बच्चे के रूप में नजर आ चुके हैं, जिसकी शूटिंग के लिए नरगिस को ऋषि को बहुत सी चॉकलेट देकर मनाना पड़ा था। पालक ऋषि फिल्म के गाने प्यार हुआ इकरार हुआ में भाई रणधीर कपूर और रीमा के साथ पैदल चलते नजर आते हैं। बॉबी की जबरदस्त सफलता के बाद ऋषि 90 से ज्यादा फिल्मों में रोमांटिक रोल करते नजर आए।
नीतू कपूर के साथ ऋषि की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। अमर अकबर एंथनी के एक सीन में ऋषि ने नीतू कपूर को उनके असली नाम नीतू से बुलाया है। इस गलती को ठीक नहीं किया गया और फिल्म में इस दृश्य को दिखाया गया है। ऋषि कपूर ने अपने जीवन के ऊपर एक आत्मकथा भी लिखी, खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। इसमें उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़े हर पहलू के बारे में बताया, दाऊद से मुलाकात, पत्नी से प्यार और अवार्ड शो के बारे में। आइए नजर डालते हैं ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी से कुछ रोचक किस्सों पर। ऋषि कपूर की बुक खुल्लम खुल्ला की माने तो वे पहले बहुत सिगरेट पीते थे, लेकिन बेटी दीदीमा के एक कमेंट के बाद उन्होंने इसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अमिताभ बच्चन के साथ रहे अनकहे तनाव का जिक्र भी किया है। उन्होंने लिखा है कि अमिताभ और मेरे संबंधों में तल्खी थी, मैं उनके साथ अनकंफर्टेबल महसूस करता था। वो मुझसे 10 साल बड़े थे, लेकिन मैं उन्हें अमित जी की जगह अमिताभ ही बुलाता था। शायद मैं बेवकूफ था। कभी कभी की शूटिंग के वक्त तो ना मैं उनसे बात करता था और ना ही वे। हालांकि बाद में सब ठीक हो गया और हमारे रिश्ते बेहद अच्छे हो गए। अब तो उनसे फैमिली रिलेशनशिप है। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में ये भी लिखा है कि बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्होंने 30,000 में खरीदा था। उन्होंने लिखा है कि मैं तब महज 22 साल का था, पैसा कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं इसकी बहुत समझ नहीं थी। खुल्लम खुल्ला में ऋषि ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से उनकी पहली मुलाकात के बारे में कई रोचक खुलासे भी किए हैं। ऋषि कपूर के निधन के बाद एक बेहद इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ऋषि अस्पताल के बेड पर लेटे हैं और उनके बगल में खड़ा एक शख्स गाना गाकर सुना रहा है, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। वहीं ऋषि कपूर भी इस गाने को एंजॉय करते दिख रहे हैं। गाना सुनने के बाद लेटे लेटे ऋषि कपूर इस शख्स की तारीफ कर रहे हैं और जी भर कर दुआएं दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये वीडियो बीती रात का है। उस समय तक किसी को भी नहीं पता था कि अगली सुबह तक बॉलीवुड का वो दिग्गज सितारा हमारे बीच नहीं रहेगा। इस वीडियो पर लोगों की ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। हर कोई शख्स को बहुत खुशकिस्मत बता रहा है जिसने आखिरी बार ऋषि कपूर से आशीर्वाद लिया। ऋषि कपूर की आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए अंत में हम बस यही कहना चाहते हैं, रहने को सदा दुनिया में आता नहीं कोई, पर जैसे आप गए ऋषि जी ऐसे भी जाता नहीं कोई। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो शोहरत नाम ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो फल अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी ये एक गांठ बांधी है। Yeah.